बीच 22 मैचों की जबरदस्त टक्कर के साथ ही विमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 का पहला सीजन खत्म हो गया। रविवार 26 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया और टूर्नामेंट के इतिहास की पहली चैंपियन बन गई। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई ने अपना दबदबा बनाए रखा। देखिए आगे हमारी रिपोर्ट में। ये दबदबा फाइनल के बाद मिले अवार्ड्स में भी देखा गया, जहां न सिर्फ टीम को जबरदस्त कैश अवार्ड मिला बल्कि अलग अलग खिलाड़ियों के खाते में भी पैसों की बारिश हुई। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन टीम की। मुंबई इंडियन को WPL की पहली चैंपियन बैंक पर सिर्फ एक शानदार ट्रॉफी ही नहीं बल्कि किताब जीतने के लिए इनाम के रूप में मोटी रकम भी टीम की झोली में आई है। जी हां, WPL चैंपियन बने मुंबई को 6 करोड़ रुपए का चेक मिला। वहीं रनअप रही दिल्ली कैपिटल को भी एक ट्रॉफी मिली और 7 इनाम में 3 करोड़ रुपए भी मिले। सिर्फ टीमों को ही नहीं बल्कि निजी प्रदर्शन के लिए भी कई खिलाड़ियों को इनाम में मोटी रकम मिली। वैसे तो इन अवार्ड्स में भी मुंबई इंडियन की ही ज्यादा खिलाड़ी दिखी, लेकिन दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी एक एक खिलाड़ी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन रिव्यू न्यूज़, 24x7।